अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी शुरू हुए एक महीने से अधिक हो गया है। इस दौरान 16,286 किसानों को मैसेज भेजे जा चुके हैं। इनमें से 9,755 किसानों ने केंद्रों पर 23,239.51 मैट्रिक टन चना बेचा है, लेकिन अब तक एक भी किसान के खाते में भुगतान नहीं हुआ है। किसान रुपयों के लिए परेशान है। किसानों को 1,21,54,26,373 रुपये का भुगतान होना है। इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि एक सप्ताह में किसानों को भुगतान हो जाएगा, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से सीधे किसानों के खातों में भुगतान हो रहा है। सोसाइटियों ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरदा जिले में चना खरीदी के लिए 45 केंद्र बनाए हैं। इन पर चना की खरीदी चल रही है, लेकिन भुगतान नहीं होने की वजह से किसानों में एक नाराजगी भी है। इधर हरदा जिले में गेहूं के भुगतान को लेकर भी किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। अब तक 2,539 किसानों से 23,949 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है। इसमें से मात्र 216 किसानों को 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। Market Times TV। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।